पिछली बार तिरुपति में ही क्लास चल रहा था 24 मई 1967 का। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी जबकि गीता के भगवान ने राजयोग सिखाया था। भगवान श्री कृष्ण वो तो भगवान नहीं है, वास्तव में वो तो बैकुंठ में रहने वाला है। बैकुंठ का रचयिता तो रचयिता बाप ही कहा जाएगा। जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं वो स्वर्ग का वर्षा हम भी ले रहे हैं। शिव बाबा आए के श्याम से सुंदर हमको बनाते हैं। अभी हम श्याम हैं फिर सुंदर बनते हैं। सुंदर कौन बनाते हैं? जो सदा सुंदर है वो हमें आकर के सुंदर बनाते हैं। शिव बाबा को सदैव सुंदरम कहा जाता है। वो है भी सुंदर मुसाफिर। तुम बच्चों को काम चिच्छा से उतार ज्ञान चिच्छा पर बिठा दे। काम चिच्छा पर बैठ सब काले बन गए। फिर तुम बच्चों को अब सुंदर बनाए रहे हैं। सबको सुंदर नहीं बनाते हैं, तुमको सुंदर बनाते हैं। काले तो सब बन गए। मूल बात है याद की क्या? तुमको सुंदर क्यों बनाए रहे हैं? औरों को सुंदर नहीं बनाते हैं। कारण क्या है? मूल बात याद की है। जो एक्यूरेट याद तुम करते हो ऐसी याद और कोई नहीं करते। कौन सी एक्यूरेट याद? बाबा की याद। बाबा की याद, उसमें स्पेशलिटी क्या है? जिस मुकर्रर रथ में तुम साकार में निराकार बाप को याद करते हो ऐसी याद और कोई धर्म वाले नहीं करते हैं। फिर भी वो सर्व का सदगति दाता तो कहा ही जाता है क्योंकि एक जन्म की सदगति तो सबको देते हैं। दुख हरता कहा जाता है। फिर हम सदैव सुखी ही सुख देखेंगे ये तुम जानते हो। हमारे सुख के दिन आते हैं, बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। फिर भी बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। अरे इतनी तुमको प्राप्ति होती है, तुम तो मूर्ख हो, भूल जाते हो, बाप को भी भूल जाते हो। बाप क्या कहेंगे? तुमको स्मृति नहीं आती है कि हम किससे बात करते हैं? देह अभिमानी में आने से देह को ही देखते रहते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी किसको देखते रहते हैं? है? ब्रह्मा को देखते रहते हैं। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी किसको देखते रहते हैं? है? प्रजापिता को देखते रहते हैं। अरे प्रजापिता पतित है
या सुंदरम है? क्या है? काला है। काला है? तुमको सुंदरम कौन बनाते हैं? जो सदा सुंदर है, सदा शिव है, सदा कल्याणकारी है, वो तुमको सुंदर बनाते हैं। तुम देह अभिमान में आने के कारण देह से ही लग जाते हैं। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के फॉलोअर रहे होंगे तो उन्हें वो ही रूप याद आ जाएगा। बाप को तो नहीं भूलना चाहिए। आधा कल्प तुमने याद किया है, अभी आया हूँ सिर्फ कहता हूँ कि मुझे याद करो, और कोई तकलीफ तो नहीं देता हूँ, फिर भी तुम भूल जाते हो। इसको कहा जाता है माया, जो तुमको भुलाती है। कारण क्या है? तुम अपन को आत्मा नहीं समझते हो। आत्मा न समझने के कारण माया फिर तुमको देह में हिलगा देती है। अगला प्रातः क्लास है 23567 का। रिकॉर्ड चला है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ये बातें रोज बाप को, बाप बच्चों को समझाते हैं कि सोने से पहले अपने सारे दिन का मुखड़ा देखो कि हमने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया। अपना पोता मिल देखते रहो, किसको दुख तो नहीं दिया है, कितना समय बाप को याद किया है और कितनों को दुख सुख दिया है। मूल बात ये है, गीत भी यही कहता है कि अपने अंदर में देख लो कि हम कितने तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। सारे दिन में कितनी देरी से याद किया? अमृत वेले सवेरे सवेरे याद किया या देरी से याद किया? कोई भी देहदारी को याद नहीं करना है। आत्माओं को कहा जाता है कि बाप को याद करो। अभी वापस जाना है, कहाँ जाना है? शांति धाम से होकर के हमको नई दुनिया में जाना है। ये तो पुरानी दुनिया है। जब बाप आवे तब स्वर्ग की द्वार खुले। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम संगम युग पर बैठे हैं। ये भी वंडरफुल बात है। जो संगम युग पर स्टीमर में बैठ करके फिर उतर जाते हैं। अभी तुम संगम युग पर आकर के पुरुषोत्तम बनने के लिए नैया पर बैठे हो, पार जाने के लिए। फिर पुरानी कलयुगी दुनिया तो दिल से हट जानी चाहिए ना। उसको पुरानी दुनिया का किनारा तो छोड़ दिया ना। इस शरीर द्वारा अभी सिर्फ इस दुनिया में पार्ट बजाना है। बुद्धियोग का एक पांव नैया में पक्का रखा हुआ है। जब तक ये दुनिया है तब तक सिर्फ तोड़ निभाना है, क्योंकि अभी हमको वापस जाना है। बड़ी खुशी से वापस जाना चाहिए। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, लेकिन माथा मारने वाले मुक्ति और जीवन मुक्ति का अर्थ ही नहीं समझते। शास्त्रों के अक्षर सिर्फ सुने हुए हैं,
परंतु वो मुक्ति, जीवन मुक्ति क्या चीज है, कौन देते हैं और कब देते हैं, ये कुछ भी पता नहीं। समझते हैं, हरियुग में भगवान आते हैं। अरे हरियुग में मैं क्यों आऊंगा? समझते हैं, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार लेते हैं, 24-24 अवतार गिनाए दिए हैं। तुम बच्चे जानते हो कि बाप आते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए सिर्फ एक बार। बेअंत और बार बार नहीं है। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति, फिर जीवन बंध में आते हो, इन बातों को दुनिया नहीं जानती। वो तो समझते हैं कि आत्मा एक बार मुक्त हो जाती है फिर वापस लौटती नहीं। इसलिए कहा जाता है बंदर से भी बदतर। मनुष्य होकर जिनको याद करते हैं उनको जानना भी तो चाहिए ना। अब ये बूझ पड़ी है कि हम आत्मा हैं। बाबा हर एक बच्चों को सहज शिक्षा देते रहते। तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे परंतु वहां तो पहचानते ही नहीं थे। अभी मैंने आकर के तुमको अपनी पहचान दी है कि कैसे मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी तक कितने विकर्म विनाश हुए हैं वो अपना पोता मेल रखने से पता पड़ेगा। जो सर्विस में लगे रहते हैं उनको मालूम पड़ता है, सबसे उन बच्चों को पता पड़ता है। जो सर्विस में नहीं रहते हैं तो जरूर कहेंगे डिसर्विस ही करते होंगे। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए, आपस में मिलकर सभी निकलते हैं। मनुष्यों का जीवन हीरे तुले है, जैसा बनाने के लिए सर्विस का शौक होना चाहिए। देखो ये कितना पुण्य का कार्य है, इसमें खर्चे आदि की कोई खास बात नहीं है। सिर्फ यही जगह हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना है। उपराज परी, सब्ज परी, ये सब नाम तो है ना, ये सब तुम हो। तुम जितना जितना याद में रहेंगे उतना उतना हीरे जैसा बनते जाओगे। कोई माणिक जैसा बनेंगे, कोई पन्ना जैसा बनेंगे, कोई हीरा जैसा बनेंगे, ऐसे नहीं कि पुखराज ही रह जाएंगे। याद के ऊपर सारा मदार है। नवरत्न होते हैं ना, कोई ग्रहाचारी होती है तो नवरत्न पहनते हैं। ग्रहाचारी में बहुत टोटके देते भक्ति मार्ग में, और यहाँ तो सभी धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है। कौन सा टोटका है? मन मना भव, क्योंकि गॉड इज वन गाया हुआ है। आठ या नौ को याद नहीं करना है, इसको याद करना है, सिर्फ एक को याद करना है। मनुष्य देवता बनने की व मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाने की तदबीर एक ही है जो बाप बताते हैं। बाप को याद करना है, तकलीफ की कोई बात नहीं है। सोचना चाहिए कि मेरी याद क्यों नहीं ठहरती है, क्यों नहीं ठहरती है। बच्चों को मेरी याद क्यों नहीं ठहरती है,
क्या कारण है? सोचना चाहिए। क्या सोचा? आत्मा नहीं समझते? किसका संग का रंग लग गया? आत्मा बच्चे तो परमात्मा बाप के ही है। परमात्मा बाप के बच्चे हैं, तो बच्चों को तो माँ बाप का ही संग लगा होना चाहिए। फिर क्यों नहीं याद आता? जरूर औरों का संग 63 जन्मों में किया है, तो जिनका संग किया है वो संकल्पों में स्वप्न में सामने आते रहते हैं। क्या? अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए। कहाँ जाते हो? किसको याद करने लगे? हमको क्यों छोड़ दिया? आएंगे तो ना संकल्प में, तो घबराना नहीं चाहिए। क्या करना है सब बता दे। हरे भजो, बुद्धि में ज्ञान तो बैठा है ना, कि किन की याद से हम नीचे गिरे, किन के संग से नीचे गिरे और किसके संग से हमें ऊंचा उठना है। मनन चिंतन चलना चाहिए कि सारे दिन में मैंने इतना कम याद क्यों किया, जबकि इसी याद से हम एवर प्योर निरोगी बनेंगे। तो क्यों नहीं अपना चार्ट रखकर के उन्नति को पावे? बहुत है जो 2-5 रोज चार्ट रख करके फिर भूल जाते हैं। कोई को भी ये समझाना बहुत सहज होता है कि नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। कलयुग बदली हो करके फिर जरूर सतयुग होगा। कलह कलेश का युग खत्म होगा तो कलह कलेश करने वाला कौन है? और सतयुग आवेगा तो सत्य का युग बनाने वाला कौन है? कलह कलेश कब बढ़ता है? झूठ खंड कब बनता है? जब झूठापन बढ़ता है तो झूठ खंड बनता है, कलह कलेश होता है। झूठ है रावण और सत्य है बाप। बाप आकर के सत्य युग स्थापन करते हैं। सच्चा बाप सच्ची नॉलेज देकर के सच्चा युग स्थापन करते हैं, और रावण द्वैतवादी है, दो बातें बताता है, 10-10 विषयों मते में देता है, झूठ के पीछे झूठ, झूठ के पीछे वो झूठ, एक झूठ के पीछे अनेकों झूठ बोलनी पड़ती, तो वो झूठी दुनिया बनाता है और बाप सच खंड बनाता है। बदली होता है तभी हम समझा रहे हैं कि कलयुग बदली होकर के अभी सतयुग आना है, दूसरी तो कोई बात है नहीं। चार्ट रख करके उन्नति पाना चाहिए। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लंबी कर दी है, इसलिए सभी घोर अंधियारे में पहुंच गए हैं। बुद्धि में बैठता ही नहीं है कि अब कलयुग खत्म होने वाला है, सतयुग आने वाला है। दूसरी बात यह है कि बाप के लिए भी कह देते हैं कि अभी पूरा निश्चय नहीं होता है कि ये वो ही है जो ब्रह्मा के तन में आकर के पढ़ाए गए। अरे तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुम ब्रह्मा के बच्चे हो ना, वर्षा कहां मिलेगा? ब्रह्मा से वर्षा मिलेगा क्या? ब्रह्मा का अर्थ क्या है?
ब्रह्मा का अर्थ है बड़ी माँ। माँ से वर्षा मिलता है क्या? एडॉप्शन तब होती है जब कोई प्राप्ति होती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो तो सचमुच बने हो या कोई संशय है? संशय क्यों आता है? इतने ब्रह्मा कुमारी आश्रम खुले हुए हैं तो जरूर ब्रह्मा होगा ना, कोई ब्रह्मा के बच्चे तो हुए ना। अम्मा के बच्चे हो तो अम्मा के पीछे कौन होगा? बाप भी होगा ना। संशय क्यों आता है? पक्के निश्चय बुद्धि नहीं है। स्त्री और पुरुष की दृष्टि बदलने में भी समय लग जाता है। कोई तो बहुत भाग्यशाली होते हैं, जड़ समझ जाते हैं, बुद्धि में आता है कि हम भी स्टूडेंट हैं, ये भी स्टूडेंट है, भाई बहन हो गए। May 1967 की वाणी का दूसरा पेज। जब अपने आप को स्टूडेंट समझे तब तो बुद्धि में बैठे, आत्माएं तो सब भाई भाई। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी कहने पर, बनने पर भाई बहन बन जाते। ये बड़ा वंडरफुल है और खुशी भी होती है समझने से, क्योंकि मनुष्य देवता बनना है। ये कोई भी जानते नहीं है कि मनुष्य देवता कैसे बनना होता है। पहले शूद्र, शूद्र से ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण जब पक्का पुरुषार्थ करते हैं, पक्की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो ब्राह्मण से बदलकर देवता बनते हैं। ये कोई भी जानते नहीं है कि मनुष्य देवता कैसे बनना होता है। तुम्हारे में भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। कोई तो बंधन मुक्त भी है तो भी कुछ न कुछ उस दुनिया में बुद्धि जाती रहती है। कर्मातीत अवस्था में बनने में टाइम लग जाता है। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए, कोई भी मुझाट नहीं होनी चाहिए, बुद्धि में झंझट नहीं होनी चाहिए। आना चाहिए कि हम आत्माओं को अब बाबा के पास जाना है, पुराने शरीर आदि सब छोड़ करके फिर बाबा के पास जावे। हमने कितना पार्ट बजाया, अभी हमारा चक्र पूरा होता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए, जितना बातें करेंगे उतना हर्षित मुख रहेंगे और अपनी चलन को भी देखते रहेंगे कहां तक हम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने। नारद तो भक्त था, भक्त कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कहीं नारद जैसी चलन हमारी तो नहीं है? औरों से कहता था चलो बैकुंठ, खुद कहां चक्कर काटता था नर्क की दुनिया में। इससे तो फायदा होने वाला नहीं है। जब तक भक्ति की बदबू न निकले तब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बन सकती। भक्त क्या करते हैं? कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। कथनी करनी उनकी एक नहीं होती। ज्ञानी का मतलब यह है जो कहना, जो सोचना, सो करना। तो भक्ति की बदबू तो बुद्धि में से निकल जानी चाहिए। बुद्धि में सुदर्शन चक्र हमेशा फिरता रहे। बुद्धि से ही समझा जाता है। अभी तो थोड़े ही समय में ये पुराना शरीर सबको छोड़ना है। ये बहुत जन्मों के अंत के जन्म का भी अंत है। मृत्यु लोक में ये सबका अंतिम शरीर है। तुम एक्टर्स भी हो, एक शरीर रूपी वस्त्र छोड़ करके दूसरा धारण करते हो, तो अपने को एक्टर समझते तो हो ना।
आगे नहीं समझते थे। अब ये नॉलेज तुमको मिली है तो अंदर में खुशी बहुत रहनी चाहिए, पुरानी दुनिया से बैराग आना चाहिए, नफरत आनी चाहिए। तुम बेहद के सन्यासी हो। वो सन्यासी तो एक जन्म में सन्यास लेते हैं घर बार का, फिर दूसरा जन्म ले लेते हैं, तीसरा जन्म ले लेते हैं, चौथा जन्म ले लेते हैं, फिर सन्यासी बनते जाते हैं। तुम तो इस अंतिम जन्म में एक बार ही सारी दुनिया के छोड़ने वाले सन्यासी बन जाते हो। फिर तुमको 21 जन्म ये दुनिया छोड़ने की बात बुद्धि में नहीं आती। 21 जन्म तक तुम लगातार प्रवृत्ति मार्ग के पक्के पक्के सुख भोगते रहते हो, सन्यास लेने की दरकार ही नहीं। तो इस पुरानी दुनिया से वैराग नफरत आनी चाहिए। इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से संन्यास करना है। देह, देह के संबंधी और देह के पदार्थ याद ही नहीं आना चाहिए। जितना याद आते हैं समझो उतना ही हमारा अटैचमेंट अभी लगा हुआ है। घर बार छोड़ करके भागना भी नहीं है, रहना भी घर बार में है, पुरानी दुनिया में रहना भी है, लेकिन बुद्धि इस देह है, देह के संबंधों, देह के पदार्थों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। कहां जानी चाहिए है? इन आंखों से जो नहीं देखते हैं उसमें बुद्धि जानी चाहिए। इन आंखों से बाप भी दिखाई नहीं देता, नाली से दिखाई देता है, तीसरे नेत्र से दिखाई देता है, उसे याद करना है। इन आंखों से नई दुनिया भी नहीं दिखाई देती, ज्ञान के नेत्र से नई दुनिया दिखाई देती है कि नई दुनिया आने वाली है, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, तो नई दुनिया की स्मृति रहनी चाहिए। नई दुनिया कैसे आवेगी वो सारी प्लानिंग हमारी बुद्धि में आएगी। तो ज्ञान का सारा मनन चिंतन मंथन बुद्धि में चलना चाहिए। ये इन आंखों से देखने की चीज नहीं है, ये तो तीसरे नेत्र से सब समझा जाता है। तो आत्मा समझती है, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि नहीं लगानी है। बुद्धि से इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को संन्यास कर दिया, अभी हम आत्मा जाती है, जाकर के हम बाप से मिलेंगी। बाप से मिलेंगी, अभी हमें बाप मिला नहीं है? बाप से मिलेंगी या बाप मिल गया है? मिल गया, फिर क्यों कहा अभी हम बाप से जाकर मिलेंगे? मिलना अर्थात एक हो जाना। जैसा बाप निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है, ऐसे हम आत्माएं भी निराकारी स्टेज को धारण कर लें। ये दीन दुनिया याद ना आए, पुरानी दुनिया, पुरानी देह के संबंध, देह के पदार्थ कुछ भी याद ना आए। बाप को याद आते हैं का? बाप तो सदाशिव है, उसको कोई पुरुषार्थ करने की भी दरकार नहीं है, लेकिन हम पुरुषार्थ करते हैं। कैसी स्टेज पाने का? बाप समान स्टेज पाने का। बाप समान स्टेज पाना माना बाप के पास पहुंचना। तो बुद्धि में है कि हम आत्मा बाप से जाकर जरूर मिलेंगी, सो भी तब होगा जब एक बाप को याद करेंगे। क्या 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को याद करेंगे तो बाप के नजदीक नहीं पहुंचेंगे। बाप को याद करेंगे और किसी को याद नहीं करेंगे तो बाप के नजदीक पहुंचेंगे। और कोई को याद करेंगे
तो औरों की याद की स्मृति आती रहेगी, प्रैक्टिस पक्की होती रहेगी, देहधारियों की याद की प्रैक्टिस पक्की होती रहेगी। फिर दूर जावेंगे या नजदीक आवेंगे, फिर तो और ही दूर चले जावेंगे, फिर सजा भी खानी पड़ेगी। क्या अगर देहधारियों की याद की प्रैक्टिस इसी तरह पक्की होती रही, देह के संबंधियों की, देह की स्मृति अगर इसी तरह पक्की होती रही, बार बार याद आती रही, तो अंत में अंजाम क्या होगा? है धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी, और जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो ऊंची स्टेज बननी चाहिए वो ऊंची स्टेज नहीं बन सकेगी। अच्छे अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं वो अपने साथ प्रण करते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर के ही छोड़ेंगे, एक एक स्कूल से दो चार ऐसे निकलेंगे। तो यहाँ पर भी हर एक को यही ख्याल रखना है कि हम बाप से पूरा राजभाग लेकर के छोड़ेंगे, उनकी फिर चलन भी वैसी ही होगी। आगे चल करके पुरुषार्थ करते करते गैलअप करना है, वो तब होगा जब रोज शाम को अपनी अपनी अवस्था को देखते रहेंगे। बाबा के पास समाचार तो आते ही है, हरेक के आते हैं, बाबा हरेक को समझ सकते हैं, किसी को तो कह भी देते हैं कि तुम्हारे में इतना दम नहीं दिखाई पड़ता है। कितना दम? कितना दम नहीं दिखाई पड़ता है जो स्कॉलरशिप ले ले में? ये लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शक्ल तुम्हारी दिखाई नहीं पड़ती, चलन खान पान अपना देखना तो चाहिए। चलन अच्छी नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, संग अच्छा नहीं है, तो संग दोस्तों लगता है ना, फिर ऊंच कैसे चढ़ेंगे? सर्विस ही कहां करते हो, फिर क्या बनोगे? फिर दिल में समझते हैं कि हम कुछ करके दिखावे। इसमें हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। अगर श्रीमत पर नहीं चले तो फिर इतना ऊंच पद नहीं पाएंगे। कितना ऊंच पद? जितने ऊंच पद का लक्ष्य बाप देते हैं। बाप कौन सा लक्ष्य देते हैं? लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप पाने का लक्ष्य देते हैं, तो लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। तुमको तो सब साक्षात्कार होंगे कि हम किस प्रकार का पद पाने लायक हैं। अपने पद का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में भी सब साक्षात्कार करते थे, फिर बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे। पिछाड़े में भी तुम सब बच्चों को सब पता पड़ेगा कि हम क्या बनने वाले हैं, कौन सा पद पाने वाले हैं। जब पता पड़ेगा तो हड़कंप हो जाएगा। फिर जब सबको पता पड़ेगा फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। कल्प कल्पांतर की ये हालत हो जाएगी। जिनको ऊंच पद पाना होगा वो ऊंच पद पावेंगे, जिनको नीच पद पाना होगा वो नीच पद पावेंगे। बहुत त्राय त्राय हो जाएगी।
डबल सिरताज डबल राजभाग पाए नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ करने की बहुत मार्जिन है। कब की बात बताई है? ये सन 67 की मुरली है, उस समय की मार्जिन की बात बताई कि बहुत मार्जिन है, बहुत लंबा टाइम पड़ा हुआ है। और अभी अभी तो फाइनल पेपर सबके शुरू होने वाले, सबका रिजल्ट आने वाला है। त्रेता के अंत तक 16,000 की माला बननी है। क्या त्रेता के अंत तक बनेगी या अभी संगम युग में बननी है? माला कब बननी है? संगम युग में माला बननी है। लेकिन त्रेता के अंत तक जितने भी 16,108 निकलने होंगे वो सब यहाँ प्रत्यक्ष हो जाएंगे। यहाँ पर तुम आए हो नरसिंह नारायण बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जब कम दर्जे का साक्षात्कार होगा तो उस समय जैसे कि अपने से नफरत आने लगी। इनको कम पद मिलेगा वो बहुत अपने से नफरत करेंगे, फिर कुछ कर तो नहीं सकेंगे। सबके सामने मुंह नीचा हो जाएगा कि हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया, बाबा ने कितना समझाया, हम अलबेले बने रहे, कोई ध्यान ही नहीं दिया। बाबा कितना कहते हैं चार्ट रखो, यह करो वह करो सर्विस करो। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो भी बच्चे आते हैं सबकी फोटो यहाँ रखनी चाहिए। क्या सब बच्चों की फोटो रहनी चाहिए जो बाद में पता पड़े? फोटो रखो, भले ग्रुप का फोटो इकट्ठा रखो। क्या एक एक का अलग अलग फोटो न रख सको तो ग्रुप का फोटो रखो। पार्टी ले आते हो ना तो पूरी पार्टी का फोटो रहना चाहिए, फिर उसमें तारीख नाम आदि सब लगा पड़ा हो, किस तारीख को आए, क्या नाम है, किस स्थान से आए, फिर बाबा बताते रहेंगे कि कौन कौन है, कहां कहां के हैं, जो पुरुषार्थ में नीचे गिरते रहे। बाबा के पास समाचार तो सब आते रहते हैं, बताते रहे। कितनों को माया का खिंचाव हो गया, माया ने खत्म कर दिया। बच्चियां भी बहुत गिरती है, जैसे काम की भूतनाथनी बन जाती है। एकदम डर्टी ब्रूट्स बन जाते हैं। ब्राह्मणी पंडा बनकर के आती है और फिर दुर्गति को पा लेती है, चलेगा। पंडा बनकर के ब्राह्मणी आवे और दुर्गति को पा ले, ऐसे क्यों हुआ? जरूर माया का आकर्षण हुआ है, बात मत पूछो। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, भले ईश्वरीय सेवा में रहते हो परंतु बड़ा खबरदार रहो। 23 मई 1967 की वाणी का तीसरा पेज। माया कोई न कोई रूप धारण करके पकड़ लेती है, कहां भी पकड़ लेती है। न कोई स्थान देखती है माया और न कोई टाइम देखती है माया। ऐसे नहीं कि माया अमृत वेले नहीं आवेगी,
अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा होता है। रात को 9-10 बजे से लेके 12-1 बजे का टाइम खराब होता है। नहीं, माया कोई भी समय पकड़ सकती है, कोई भी व्यक्ति को पकड़ सकती है, कोई भी स्थान में पकड़ सकती है। ऐसे नहीं कि मधुबन में माया नहीं आएगी, क्या मधुबन में माया आती है कि नहीं आती है? मधुबन में भी माया आती है, क्यों मधुबन में क्यों आती है? है? अरे बाप की बेटी नहीं है क्या? मधुबन बाप का घर है, मधुसूदन का घर है, तो घर में बेटी आवेगी नहीं क्या? घर में बेटी तो आवेगी। तो इस दुनिया में माया का पसारा चारों ओर लगा पड़ा है, कोई भी रूप धर करके पकड़ लेती है। क्या? स्त्री का रूप धर करके पकड़े, पुरुष का रूप धर करके पकड़े, कोई उसको रोक टोक नहीं है। कोई के नाम रूप की तरफ देखो भी नहीं। क्या? किसका नाम बड़ा बाला है, बहुत ऊंची हस्ती वाला है, रूप की तरफ आकर्षण हुए, जैसे ब्रह्मा बाबा के रूप की ओर आकर्षित हो गए, तो कितने गिर गए? क्या घाटा आ गया? कुखवंशावली ब्राह्मण बन पड़े। बनना क्या था? बनना था मुखवंशावली, बन गए कुखवंशावली। तो जो भी कुखवंशावली बने वो सब दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले बन जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो बाप कहते हैं नाम रूप को देखो भी नहीं, भले इन आंखों से हम देखते हैं, परंतु बुद्धि में एक बाप की याद रखो, नाम रूप को भी देखो। ऐसे नहीं आंख बंद कर लेनी है, लेकिन आंख से नाम रूप को देखा और बुद्धि से बाप को देखा, आत्मा को देखा। तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ तो है ना, जैसे ये नेत्र मिले हुए हैं वैसे तीसरा नेत्र भी मिला हुआ। इन नेत्रों से काम लेते हो तो तीसरे नेत्र से भी काम लेना चाहिए ना। तीसरा नेत्र मिला ही इसलिए है कि बाप को देखो और बाप को याद करो। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। ऐसे भी नहीं कि कोई से आंखें नीची करके बातें कर रहा है। आत्मा से बात करनी है तो भ्रकुटी में देखना है या पेट को देखना है या पूरा चेहरा देखना है। आत्मा से बात करेंगे तो जरूर सामने देख करके बात करेंगे। ऐसे कमजोर नहीं बनना है कि नीचे आंख करके किसी से बात करना है। देखते हुए बुद्धि का योग अपने विलेवट महासुरूप की तरफ हो, इस दुनिया को देखते अंदर में समझते हैं कि ये तो कब्रस्तान दुनिया बननी है। इन आंखों से जो भी दिखाई पड़ता है वो सब खलास होने वाला है। आज अच्छा अच्छा दिखाई देता है और कल सब धराशायी होने वाला है। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जो अभी हम देखते हैं वो कल नहीं रहेंगी, तो उनमें ममत्व लगाना चाहिए क्या? ममत्व तो नहीं लगाना चाहिए। अंदर में समझते हैं कि एक तो कब्रिस्तान होना है, इनसे हम क्या संबंध रखें, ये तो सब विनाशी है। तुमको ज्ञान मिलता है अविनाशी ज्ञान रत्नों का, इन रत्नों को धारण करके और उन पर चलना है। भक्ति भक्ति मार्ग में तो सब दंत कथाएं हैं। भक्ति मार्ग को कब ज्ञान मार्ग नहीं कहा जा सकता,
क्योंकि भक्ति मार्ग आता है रावण से और ज्ञान मार्ग आता है राम से। भक्ति नीचे ले जाती है और ज्ञान ऊपर ले जाता है। कहीं भी कोई शास्त्रों की बात बोले तो कहो शास्त्रों का नाम हमारे सामने मत लो। शास्त्र अनेक मनुष्यों के लिखे हुए हैं। जो भी मनुष्य है सब विकारी हैं। विकारी बुद्धि की जो रचना है वो हमको भी विकारी बना देगी। इसलिए हम मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्रों को मानते नहीं हैं। जानते तो हैं कि हैं। हम तो एक बाप को मानते हैं। एक बाप जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है वो हमको सत्य बात बतलाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। अभी तो ज्ञान मार्ग चल रहा है। ज्ञान मार्ग चलाने वाला एक बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है। ज्ञान है तो फिर भक्ति की तो बास भी नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति की बास जहां आवेगी उनको तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। शरीर छोड़ेंगे तो शरीर छोड़ने वाले बाप से वर्षा जीते जी ले नहीं सकेंगे। बाप से वर्षा नहीं ले सकेंगे तो किससे वर्षा लेंगे फिर? हैं? कोई न कोई देहधारियों से वर्षा लेना पड़ेगा। जैसे कृष्ण की आत्मा है, शरीर छोड़ दिया तो वर्षा किससे लेती है? प्रैक्टिकल में वर्षा उसे किससे मिलेगा? नारायण से वर्षा मिलेगा। जो बाप से वर्षा मिलता है डायरेक्ट वो तो नहीं ले सकेंगे, तो क्या कमजोरी आ जाएगी? ये कमजोरी आ जाएगी कि जो भी दुनिया के पावरफुल धर्म पिता हैं वो कोई भी उनको अपने प्रभाव में ले सकते हैं। जैसे हिस्ट्री बताती है यज्ञ की, यज्ञ के आदि से लेकर के और अंत तक ब्रह्मा की आत्मा दूसरे दूसरे धर्म वालों के प्रभाव में आती रही और दुर्गति को पाती रही। क्यों पाया? क्यों दुर्गति को पाया? क्योंकि यज्ञ के आदि में जिस बाप से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस बाप को भूल गए, देवान आ गया। मैं कृष्ण हूं, सत्युग में जाके प्रिंस बनूंगा, मैं सृष्टि का पहला पत्ता हूं। देवान आने से फिर पतन हो जाता है। तो बाप कहते हैं कि भक्ति मार्ग की बास नहीं आनी चाहिए। भक्ति मार्ग का कोई भी शास्त्र वहां पर नहीं होता है। सत्युग में भक्ति मार्ग के शास्त्र नहीं होते। ज्ञान मार्ग के शास्त्र होते हैं क्या? ज्ञान मार्ग के चित्र, ज्ञान मार्ग के शास्त्र वहां होते हैं क्या? वो भी नहीं होते। न ज्ञान मार्ग के शास्त्र और चित्र होते हैं, न भक्ति मार्ग के शास्त्र और चित्र होते हैं। फिर होता क्या है? किस आधार पर 21 जन्म तक नई दुनिया टिकी रहती है? आत्मिक स्थिति होती है। आत्मिक स्थिति का आधार है जो बाप यहां आकर के पक्का कराते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। संगम युग पर तो ये देह आदि सब भूलनी पड़ती है। बाबा ने बहुत बार समझाया है ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के। ज्ञान मार्ग तो इनसे बिल्कुल अलग है।
और ज्ञान है ही एक परमपिता परमात्मा के पास, बाकी सब के पास भक्ति का भंडार है। क्या चाहे कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी हो और चाहे कोई प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, चाहे कोई इस्लाम कुमारी हो, चाहे कोई क्रिश्चियन कुमार कुमारी हो, सबके पास क्या है? भक्ति का भंडार। और ज्ञान का भंडार किसके पास है? है? इस दुनिया में ज्ञान का भंडार किसी के पास है या नहीं है? है, है। इस दुनिया में बाप आया हुआ है, बाप के पास है ज्ञान का भंडार और बाकी सबके पास है भक्ति का भंडार। तभी तो पतित पावन ज्ञान सागर को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ज्ञान से सदगति होती है, शास्त्रों में लिख दिया है, रिते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन वो कौन सा ज्ञान है, क्या ज्ञान है, किसने आकर के दिया, कब ज्ञान दिया और उससे कैसी मुक्ति होती है, वो किसी को पता नहीं। समझते हैं ऐसी मुक्ति होती है जो हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से आत्मा मुक्त हो जावे। तो आत्मा का अस्तित्व रहा कि नहीं रहा? आत्मा विनाशी हुई या अविनाशी हुई? लेकिन जब मुक्त हो गई हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्र से, कभी जन्म होना ही नहीं है, तो विनाशी हुई या अविनाशी हुई? क्या कहेंगे? विनाशी हो गई। इस सृष्टि से आत्मा का अस्तित्व ही हमेशा के लिए चला गया तो आत्मा तो विनाशी हो गई, तो अपना विनाश कौन चाहेगा? तो बाप बतलाते हैं कि तुम ऐसी ज्योति बिंदु आत्मा हो जिसका पार्ट कभी विनाश नहीं होता। 84 जन्मों का जो पार्ट जिसके जिसके अंदर भरा हुआ है, वो पार्ट ज्यों का त्यों कल्प कल्पांतर बजता रहेगा। बाप को बुलाते हैं पति से पावन बनने के लिए। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ज्ञान से ही सदगति होती है, भक्ति से ड्रामा अनुसार दुर्गति होती है। अभी फिर बाप आए हुए हैं सदगति करने, तो फिर बाप को याद करनी चाहिए, सारा दिन बाबा बाबा करते रहना चाहिए। प्रदर्शनी पर समझाते समय 1000 बार मुख से बाबा बाबा निकले, बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने ऐसे कहा, तो कभी भी ज्ञान का अहंकार नहीं आवेगा कि हम जो भी सुनाते हैं ये ज्ञान कोई हमारा ज्ञान नहीं है, हम ज्ञानी आत्मा नहीं है, हम किसका ज्ञान सुनाते हैं? जो बाप ने हमको ज्ञान दिया है वो ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं। बाबा को याद करने पर तुम्हारा कितना मान हो जाएगा, बहुत फायदा होगा। शिव बाबा कहते हैं माँ मैं कहीं याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, शिव बाबा को याद करो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं अब बस मुझे ही याद करो, ये बात भूलो मत। बाप का ये महामंत्र मिलता है मन मना भव, तो हर एक को समझाना चाहिए कि पहले पहले बाप को जानो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण। ये 84 का चक्र तो समझाना बहुत आसान बात है, बच्चों को प्रदर्शनी में समझाने का शौक बहुत होना चाहिए। अगर कहीं देखे कि हम नहीं समझा सकते हैं तो कह सकते हैं कि हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं, क्यों तो गीता पाठशाला है, इसमें कोई कम पढ़ते हैं कोई जास्ती पढ़ते हैं, हमने इतनी पढ़ाई नहीं पढ़ी है इसलिए हम बड़ी बहन को बुलाते हैं तो उनसे समझो। ये कहने पर देह अहंकार नहीं आवेगा, जिनको देह अहंकार आता है वो फिर उल्टी सुलटी बातें सुनाते रहते। जहां जहां बड़ा सेंटर हो तो प्रदर्शनी कर देनी चाहिए, चित्र भी लगा हुआ हो, गेट वे टू हेवन इज स्वर्ग, अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। इस ओवन आग लड़ाई से पहले अपना वर्षा ले लो,
क्योंकि गेट वे टू हेवन क्या है? है लड़ाई, ये महावारी महाभारत लड़ाई स्वर्ग के गेट खोलेगी। कौन सी लड़ाई है? सत्य और असत्य की लड़ाई है, भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है इसकी लड़ाई है। भक्ति किससे आती है और ज्ञान किससे आता है? जो भक्त होंगे वो भक्ति को जिंदाबाद करेंगे, जो ज्ञानी बच्चे होंगे बाप के वो ज्ञान को जिंदाबाद करेंगे। अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं, जैसे मंदिर में रोज आना जाना होता है वैसे ही तुम्हारी भी ये पाठशाला है। चित्र लगा हुआ होगा तो समझाने में सहज होगा। कोशिश करो कि हम अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनावे। भव का होगा तो मनुष्य आवेंगे, वैकुंठ में रास्ता जाने का देखेंगे, एक सेकंड में समझने का रास्ता बाप बताते। बाप कहते हैं तमो प्रधान कोई वैकुंठ में नहीं जा सकेंगे, जो सतो प्रधान बनेंगे वो ही वैकुंठ में जा सकेंगे। नई दुनिया में जाने के लिए सतो प्रधान बनना पड़े, ये दुनिया तो तमो प्रधान है। बड़े 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 शंकराचार्य आदि हैं, सबको बोलो तुम कौन सी दुनिया में रहते हो तो क्या बतावेंगे। शंकराचार्य कौन सी दुनिया में रहते हैं? हैं? ब्राह्मण की दुनिया में रहते हैं शंकराचार्य, वो कहेंगे आप पुरानी दुनिया में रहते हैं, कलयुग की दुनिया में रहते हैं। ये कोई सतयुग की दुनिया थोड़ी है, वृक्ष से पैदा होने वाले हैं ना। कहेंगे तुम काय से पैदा होने वाले, तुम वृक्ष से पैदा नहीं हुए हो क्या? तो बोलो, फकुर से बोलना चाहिए हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, हम ब्रह्मा मुख से पैदा हुए हैं। क्या हम भ्रष्ट इंद्रियों से पैदा नहीं हुए हैं? हमारी पैदाइश बहुत ऊंची है। फिर ऊपर से बाप की ग्लानी अगर कर देंगे, उल्टी चलन चल देंगे, उल्टा सुल्टा ज्ञान सुना देंगे तो और ही बोझा चढ़ जाएंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान से परमात्मा बन जाते हैं और सभी को परमात्मा बनाई दिया है। पहले पहले बाप का परिचय अच्छी रीति देना चाहिए, फिर वो माने या ना माने आगे चल करके मानेंगे कि बाप सर्वव्यापी नहीं है, शिवो हम का ज्ञान अच्छा नहीं है, ब्रह्मास्मि ये ठीक नहीं है। क्या समझेंगे कि बाप सर्वव्यापी नहीं लेकिन एक व्यापी होकर के आया हुआ है। क्या एक व्यापी बाप को पहचानो, मुकर्रर रथ में आया हुआ है, बाद में रियलाइज करेंगे। सर्विस तो तुम्हारी बहुत है ना, बनारस में बहुत आते हैं, फॉरेनर्स भी बनारस में आते हैं, उनको भी समझाना है। क्या जो फॉरेनर्स बनारस में आते हैं उन फॉरेनर्स को भी समझाना है। बोलो गॉड फादर ही लिबरेटर है, वो कैसे लिबरेट करते हैं चलो हम आपको समझा दें। अभी ये ओल्ड वर्ल्ड है, आयरन एज दुनिया है, ये इम्प्योर भी है। असली आत्माएं थी शांति धाम स्वीट होम में रहने वाली, वहां पर सब प्योर थी, अभी सब आत्माएं इम्प्योर है। फिर भी इन इम्प्योर आत्माओं को प्योर जरूर बनना है। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम प्रधान से सतो प्रधान बन करके फिर तुम वापस परमधाम चले जाएंगे और कोई उपाय नहीं है। अच्छा ओम शांति।